हेलो एवरीवन। तो गाइस, आज हम बनाएंगे सूजी का चॉकलेटी केक, जो कि खाने में बहुत ही यमी है, इजी है बनाने में, बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अपने प्यारे से कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक दूंगी, वहां पे आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए रेसिपी के लिए। यहाँ पे मैंने लिया है मैदा, यानी कि ऑल पर्पज़ फ्लोर, ये लिया मैंने हाफ कप। यहाँ पे लेंगे हम सूजी, ये है 1 कप, और सूजी को मैंने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है, बारीक पीस लेना है इसे। और ये डाली है मैंने दालचीनी पाउडर, ये लिया है 1/4 टीस्पून। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, अगर आप चाहें तो ना डालें, आपकी मर्जी है। वनीला एसेंस भी आप इसमें डाल सकते हैं। और ये डाला था मैंने सॉल्ट 2 पिंच। ये है कोकोआ पाउडर, ये लिया है मैंने 3 टेबल स्पून। अगर आपके पास कोकोआ पाउडर नहीं है तो आप कोई भी चॉकलेट पाउडर, चॉकलेट ड्रिंक पाउडर, बोर्नवीटा, जो आपकी मर्जी हो, जो अवेलेबल हो, वो इसमें डाल सकते हैं। ये लिया है मैंने ऑयल, ये आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले लीजिए जिसमें स्मेल ना हो, सरसों का तेल या फिर आप कोकोनट ऑयल बिल्कुल मत लेना। यहाँ पे लिया है मैंने पाउडर शुगर, यानी कि पिसी हुई चीनी। अगर आपके पास नहीं है तो आप चीनी को लीजिए, मिक्सी में डालिए और उसको पीस लीजिए, दैट्स इट। और अब हम इसको मिला लेंगे। तो ध्यान रखिएगा गाइस, जो आप इसमें ऑयल डालेंगे वो ऐसा ही डालिए जिसमें स्मेल ना हो, वरना तो आपको केक का जो टेस्ट है वो कम आएगा और ऑयल का उसमें ज़्यादा आएगा। तो अब इसमें मैंने डाली है कर्ड, यानी कि दही, और ये हमने डाली है हाफ कप, और इसे भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे हम। और जैसे ही इसको मिक्स कर लेते हैं, और अब इस लिक्विड को हम, जो अभी हमने अपना तैयार किया था मिश्रण, उसमें हम इसको मिला लेंगे। ध्यान रखिएगा गाइस, इसको बहुत धीरे धीरे मिलाना है, ज़्यादा इसको बिल्कुल नहीं चलाना है केक को। ये मैंने आपको बहुत सारी अपनी केक रेसिपीज़ में बताया है, ये बहुत, इससे क्या होता है कि आपका केक टूटता नहीं है, बहुत ही ब्यूटीफुल बन के रेडी होता है। तो आपको भी ब्यूटीफुल देखना है, राइट? या आपको अगर टूटा हुआ चलेगा तो देन इट्स ओके। अब हम इसमें थोड़ा वाटर ऐड करेंगे। तो टोटल इस रेसिपी में जो टोटल जो हमारा वाटर लगा है वो लगा है 1/2 कप प्लस 1/3 कप। तो अभी फिलहाल मैं इसमें 1/2 कप जो वाटर है वो ऐड करूँगी धीरे धीरे, और धीरे धीरे ऐड करते हुए इसे मिक्स करेंगे। और अब इसे हम 1/2 आवर के लिए, यानी कि आधा घंटे इसको ढक कर रख देंगे, जिससे कि सूजी हमारी फूल जाएगी और सेट हो जाएगी। तब तक हम केक टिन को तैयार कर लेते हैं। ये लगा लिया मैंने थोड़ा सा ऑयल, जिससे कि मेरा बटर पेपर इसके ऊपर चिपक जाए, स्टिक हो जाए, और देख सकते हैं आप। और अब चारों तरफ हम इसके लगाएंगे बटर, आपकी मर्जी है, आप ऑयल भी लगा सकते हैं। और ये हमारा हो गया तैयार केक टिन। और अब मैंने कुकर में सॉल्ट लिया है, यानी कि सफ़ेद नमक लिया है 1/2 कप या 1 कप। और ये आप इसमें रिंग रख लीजिए स्टील का, अगर आपके पास ये रिंग नहीं है तो आप इसमें कटोरी भी रख सकते हैं, नॉर्मल उसको उल्टा करके रख सकते हैं। इसको अब मैं गर्म करूँगी 10 मिनट के लिए, मीडियम आँच पे बंद करके। ध्यान रखिएगा, कुकर का ढक्कन लगा लेना है, सीटी हटा देनी है, रबर हटा देनी है, और उसे 10 मिनट के लिए गर्म करना है मीडियम आँच पे। अब हमारी जो सूजी है वो फूल गई है, और इसमें हम जो बचा हुआ हमारा पानी है, पहले हमने 1/2 कप डाला था, अब हम इसमें 1/3 कप जो वाटर है हमारा बचा हुआ वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे धीरे धीरे। और ये डाल रही हूँ मैं इसमें टूटी फ्रूटी, और अगर आपका मन है तो आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जैसे कि काजू, बादाम, किशमिश, कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपका मन है। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे धीरे से। और अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो हम इसमें डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, और इनको हम डालते ही बहुत जल्दी से इनको मिक्स करेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो जितनी जल्दी आप इनको मिला सकते हैं मिक्स कीजिए। और अब हम इनको अपने केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे। हमारा कुकर भी गर्म हो गया है, 10 मिनट हो गई है कुकर को रखे हुए, तो फटाफट हम केक टिन में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। उससे पहले आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसे अपने केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और केक टिन में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसको थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे। इसके ऊपर टूटी फ्रूटी और काजू से मैंने इसको
थोड़ा डेकोरेट कर लिया और उसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे, जिससे इसके अंदर जो बबल्स बनते हैं वो नहीं रहेंगे, तो वो थोड़ा ब्यूटीफुल लगेगा। ओके तो गाइज, अब हम इसको कुकर में रख दिया है मैंने अपने टिन को केक इसमें रख के, और स्टार्टिंग के 10 मिनट्स मैं इसको मीडियम आंच पे इसको पकाऊंगी, बेक करूंगी, और उसके बाद में रेस्ट जो 30 मिनट्स है, 25 से 30 मिनट के लिए मैं इसको लो से थोड़ा सा ज़्यादा, जितना कि वो कुकर की बॉटम को टच करती रही लो, उतना ही फ्लेम पर मैं इसको पकाऊंगी। और बीच में आप इसको 25 मिनट बाद 30 मिनट बाद चेक भी कर सकते हैं चाकू से या फिर टूथपिक डाल के। अगर चाकू आपका क्लीन निकलता है, टूथपिक क्लीन निकलती है, तो इसका मतलब आपका केक रेडी है। तो गाइज हमारा यमी केक रेडी हो गया है। अब मैंने इसको बाहर निकाल लिया, अभी थोड़ा ये गर्म है, आप देख सकते हैं कितना स्पंजी है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि बाहर निकालने के बाद वो थोड़ा टाइट भी हो जाता है, तो आप क्या करिए, इसके ऊपर कोई भी कॉटन क्लॉथ लीजिए, यानी कि सूती कपड़ा लीजिए, और इसको ढक के रख दीजिए जब तक कि ये थोड़ा ठंडा नहीं हो जाता है। इससे क्या रहेगा, इसका मॉइस्चर उसमें ही रहेगा, केक में रहेगा, तो वो टाइट नहीं हो पाएगा। अब हम चाकू से चारों तरफ चाकू को घुमाते हुए इसे थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे, इसकी साइड को। एक प्लेट लेंगे और प्लेट को इसके ऊपर रखेंगे और इसको उलट देंगे, और ये हमारा केक निकल के आएगा अब। और देखिए गाइस, ये हमारा केक बिल्कुल रेडी हो गया है और बहुत ही स्पंजी बना है हमारा केक। और गाइस, अनबिलीवेबल, आई नो दैट। तो देखिए गाइस, इसमें जाली आप देख सकते हैं, क्या बेहतरीन जाली बनी है इसके अंदर, क्या टेस्टी बना है मैं नहीं बता सकती। देखिए मैं कितनी लेजी हूँ, अपने हाथ से इसको उलट पलट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें प्लेट भी रख सकते हैं और उसको उल्टा कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए आपको कट करके इसको दिखा देते हैं कि ये कैसा बना है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा गाइस, क्योंकि ये आपको लगेगा ही नहीं कि एक सूजी का केक बना है। बहुत ही यमी है, हेल्दी है और टेस्टी तो बहुत ही है। देखिए गाइस, ये कितना स्पंजी बन के रेडी हुआ है, बिलीव नहीं हो रहा है ना, बना के देखिएगा। चलो थोड़ा सा क्लोज़र लुक देख लेते हैं। क्लोज़र लुक में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, आई नो दैट। थोड़ी चिड़न जलन तो हो रही होगी ना। चलिए तो फटाफट बनाइए, खाइए और फटाफट बताइए कि कैसा बना। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।